अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहबूद से रिलेटेड है और बहबूद से रिलेटेड एक बहुत इंतहाई अहम सवाल आया है, तो मैंने सोचा, क्योंकि मैंने तो वैसे कमेंट का रिप्लाई कर दिया था लेकिन ये सवाल बहुत ही अथेंटिक था तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अच्छा, वो सवाल क्या था जनाब? बहबूद से रिलेटेड था, लेकिन अब ये सवाल हमारे से बहबूद से रिलेटेड नहीं हुआ, तमाम प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया। अच्छा जनाब, सवाल क्या था कि मैंने 10 साल पहले बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिया था, ठीक है, उस वक्त मेरा शनाख्ती कार्ड पे नाम कुछ और था, उसके बाद ये हुआ कि मेरा शनाख्ती कार्ड पे जो है वो नाम तब्दील हो गया, अब मेरे प्रॉफिट का क्या होगा और जनाब मेरे जो है वो सर्टिफिकेट का क्या होगा? बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से ये सवाल था, ठीक है, इसका जवाब मैंने उनको दे दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होते हैं कि ये मसला बहबूद के साथ ही नहीं आ सकता, ये किसी भी कस्टमर के साथ जो है आ सकता, उसकी प्रोडक्ट बहबूद में भी हो सकती है, डिफेंस में भी हो सकती है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में भी हो सकती है और सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट में भी हो सकती है, टर्म अकाउंट में भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर जिसके साथ ये मसला आया कि उसके शनाख्ती कार्ड पे नाम तब्दील हो गया किसी की वजह से भी, तो उसके साथ होगा क्या? तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक बात मैं और ऐड करूंगा कि जो खवातीन है, ठीक है, जॉब कर रही होती है, ठीक है, शादी से पहले उनका नाम कुछ और होता है, शादी के बाद उनका नाम तब्दील हो जाता है, मतलब फर्स्ट नेम तो वही रहता लेकिन उसके साथ वालिद का नाम हट के जो है वो हस्बैंड का नाम आ जाता है, या जैसे रीमा खान है, शादी से पहले रीमा खान था, खान हटा दिया गया, उसके फिर जो हस्बैंड का नाम है वो ऐड कर दिया गया, तो इस टाइप के इश्यूज खवातीन की ऐसा आते थे, तो एक्चुअल प्रोसेस क्या है मैं आप लोगों से वो शेयर करूंगा, लेकिन उस प्रोसेस शेयर करने से पहले मैं ये जो साहब है इनका मसला हल करने की कोशिश करूंगा। देखिए, आप लोग के लिए भी काम आएगा ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट 10 साल पहले इन्होंने लिया था। अच्छा, पहली बात, इन्होंने रकम मेंशन नहीं किया कितनी रकम की थी, फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते 50,000 एक लाख रुपए की रकम थी जो इन्होंने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का लिया था 10 साल पहले, उस वक्त नाम कुछ और था इनका CNIC पे, हमारे जानने में भी एक मसला हुआ था ये कि जनाब उनका नाम कहीं किसी डॉक्यूमेंट पे इरशाद था, कहीं पे अरशद था, तो फिर फाइनली उन्होंने जो है वो अपना नाम अरशद पे जो है कन्वर्ट करवा लिया था शनाख्ती कार्ड में और फिर उन्होंने रिकॉर्ड अपडेट करवाया। बहरहाल, इस पहले इस मसले की तरफ चलते हैं, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट 10 साल पहले लिया था, उस पर नाम शनाख्ती कार्ड पे उस वक्त कुछ और था, जब शनाख्ती कार्ड पे कुछ और नाम था तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे वही नाम आ गया जो पहले था, ठीक है, 8-10 साल पहले। उसके बाद क्या हुआ, शनाख्ती कार्ड पे जो है नाम तब्दील हो गया, अपडेट कराया होगा इन्होंने, बहरहाल तो नाम जो है तब्दील हो गया, तो अब क्या होगा इनके प्रॉफिट का और इनके सर्टिफिकेट का, किस तरह, जाहिर सी बात है बंदा ही चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल पहले फहीम के नाम पे सर्टिफिकेट लिया था, बाद में सलीम हो गया, तो अब क्या करेंगे वो? पहले देखिए, दो तरीके से मसला हल हो सकता है, पहला तरीका ये है कि जनाब अगर अमाउंट कम है, फॉर एग्जांपल 50,000 एक लाख का इन्होंने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो जो प्रॉफिट है वो तो कैश मिलता जाएगा इनको, ठीक है, कैश की सूरत में हासिल कर सकते हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है और वही शनाख्ती कार्ड नेशनल सेविंग के रिकॉर्ड में अपडेट है। दूसरा, जब ये मैच्योर्ड हो गया, 1 लाख था या 50,000 था, तो उस वक्त सिचुएशन में क्या होगा? देखिए, अगर आपकी अमाउंट कम है, जैसे 50,000 या लाख रुपए है, तो नेशनल सेविंग वाले क्या करते हैं, आपसे सर्टिफिकेट लेते हैं और 50,000 या लाख रुपए आपको कैश की सूरत में दे देते हैं और सर्टिफिकेट अपने पास कैंसिल कर लेते हैं। तो इस सूरत में जब आप अपना ओरिजिनल बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कम अमाउंट का 50,000 लाख रुपए का नेशनल सेविंग को देंगे, तो उन्हें करना कुछ भी नहीं है, उसको कैंसिल करना है और अपना रिकॉर्ड अपडेट करना है और आपको 1 लाख की जगह 1 लाख रुपए कैश देना, यहाँ पे तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो रकम है वो ज्यादा है, 20 लाख रुपए है, ठीक है, तो नेशनल सेविंग कभी भी आपको मैच्योरिटी के वक्त 20 लाख रुपए कैश नहीं देगा, वो जब देगा आपको पे ऑर्डर की सूरत में देगा, ठीक है, और पे ऑर्डर की सूरत में, फॉर एग्जाम्पल नाम फहीम था जब आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिया, बाद में नाम सलीम हो गया, तो नेशनल सेविंग आपसे 20 लाख रुपए जब आप सर्टिफिकेट देंगे फहीम के नाम का, तो आपको चेक भी बना के देगा, किसका, वो
फहीम के नाम का, जबकि अभी आपका नाम तब्दील होकर सलीम हो गया, ठीक है। तो ये जो चेक उसने बना के दिया है जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर भी मौजूद है, इसका होगा क्या मतलब? ये तो आप अपने बैंक अकाउंट में भी जमा नहीं करवा सकते, क्योंकि चेक जो है वो फहीम के नाम का और बैंक अकाउंट आपका अब हो चुका है सलीम के नाम का, ठीक है। तो शॉर्ट अमाउंट में तो आपको फेवर मिल सकती है, आपने 50,000 का बहबू सेविंग सर्टिफिकेट दिया, उसने कैंसिल किया, 50,000 रुपये कैश दिए, 1,00,000 रुपये कैश दिए, बड़ी अमाउंट में जो है वो मसला आएगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि क्या शनाख्ती कार्ड पे नाम तब्दील हो सकता है? जी हो सकता है, मतलब ये कि जब बंदे ने मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे तो उसके दो नाम थे, एक निक नेम था और एक जो है वो ऑफिशियल नेम था, तो गलती से उसने या घर वालों ने जो है वो डॉक्यूमेंट्स पे जो है मैट्रिक के या इंटर के मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स पे जो है वो निक नेम लिख दिया, जब वो बड़ा हुआ ऑफिस वगैरह जॉब स्टार्ट किया तो उसने अपना ऑफिशियल जो है नाम वहाँ पे यूज़ किया और ऑफिशियल नाम पे शनाख्ती कार्ड बनवा लिया। अब ये दोनों मिसमैच हो गए, मतलब डॉक्यूमेंट्स पे नाम जो है वो निक नेम है और ऑफिशियल शनाख्ती कार्ड पर जो है वो जो उसका रियल नेम है वो है, तो ऐसी सूरत में नाम जो है वो तब्दील हो सकता है, ठीक है। यह एक मैंने मिसाल दिया अर्श हमारे जानने में थे, उनका इरशाद और अरशद था, ठीक है। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट में उनके नाम इरशाद लिखे हुए थे, कुछ में अरशद लिखे हुए थे, तो उन्होंने उसको करेक्ट कर लिया था, ऐसी सूरत में भी हो जाता है, मतलब मसला हल हो जाता है। अच्छा, बी पहले हिस्से की तरह पता है सवाल की, कोई 20 लाख के चेक का क्या होगा? देखिए मेरी भाई एक बात याद रखिएगा, अगर आपका शनाख्ती कार्ड लीगल है, लीगल से मुराद ये है कि कुछ शनाख्ती कार्ड इलीगल भी है, जैसे अफगानियों ने दो नंबर तरीके से बनाया हुआ है, बंगालियों ने बनाया हुआ है, गैर मुल्कियों ने दो तरीके से दो नंबर तरीके से शनाख्ती कार्ड बनवाया हुआ है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको आज ना कल फंसना ही फंसना है। हम बात कर रहे हैं अगर आपका शनाख्ती कार्ड लीगल है, ठीक है। लीगल से मुराद ये है कि आपका मैट्रिक में नाम है आप ही, मतलब मैट्रिक में आपके निक नाम निक नेम की वजह से डॉक्यूमेंट जमा हो गए, जब आपने शनाख्ती कार्ड बनाया तो आपने अपना रियल नेम यूज़ किया, दोनों जगह पे नाम मिसमैच हुए, तो आपका जो रियल नेम है जो शनाख्ती कार्ड पे है उसके मुताबिक आपके मैट्रिक का इंटर का और ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स चेंज होंगे और सारा रिकॉर्ड जो है जो भी आपका रियल नेम है जो आपके शनाख्ती कार्ड पे है जो करंट शनाख्ती कार्ड पे है, मतलब पहले कुछ और था बाद में कुछ और आ गया, जो करंट आपने रखना है उसके मुताबिक सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज हो सकते हैं, होते हैं, लोग करवाते हैं और ये लीगल इलीगल नहीं, ठीक है। वही बात है कि फिर अब ऐसी सिचुएशन में आपने जब तमाम डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड चेंज करवा लिया तो आपको नेशनल सेविंग की ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, ठीक है, और नेशनल सेविंग में भी अपना रिकॉर्ड अपडेट करवाना पड़ेगा। रिकॉर्ड अपडेट कराने से क्या मुराद है? जब आपका शनाख्ती कार्ड लीगल तरीके से शनाख्ती कार्ड पर नाम तब्दील हो गया है तो नेशनल सेविंग जो है वो बाउंड है कि वो भी अपना रिकॉर्ड अपडेट करेंगे और आपके पास जो बहबू सेविंग सर्टिफिकेट है उस पर भले से नाम फहीम था, सलीम था, जो भी था, अब जो करंट नेम आपका शनाख्ती कार्ड पे आ गया है वो बहबू सेविंग वाले बाउंड है कि वो जो है ना आपके सर्टिफिकेट जो है बहबू सेविंग सर्टिफिकेट उस पर नाम तब्दील करेंगे और टाइटल ऑफ अकाउंट, मतलब जो अकाउंट जिस अकाउंट से जिस नाम से आपका अकाउंट नेशनल सेविंग में खुला हुआ, चाहे बहबूद हो या सरवा इस्लामी कोई भी अकाउंट हो, जहाँ पे बहबूद का तो सवाल आ गया था इसलिए हमने बहबूद का पेज खुला हुआ है, कोई भी इशू है, मतलब कोई सा भी नाम हो उसके मुताबिक जो है वो टाइटल ऑफ अकाउंट उसे कहते हैं, बेसिकली नाम को कहते हैं टाइटल ऑफ अकाउंट, तो टाइटल ऑफ अकाउंट एडिट होगा और जो करंट नेम आपका शनाख्ती कार्ड पे आ रहा है, नादरा पे आ रहा है, वो नेशनल सेविंग बाउंड है, उसके मुताबिक उसको अपडेट करेंगे। इसी तरह अगर आपका प्राइवेट बैंक में अकाउंट है तो प्राइवेट बैंक वाले भी बाउंड है कि वो जो है आपका टाइटल ऑफ अकाउंट अगर चेंज हो गया, माइनर सी चेंजेस है, मेजर चेंजेस है या पूरा टाइटल ऑफ अकाउंट ही चेंज हो गया है तो प्राइवेट बैंक वाले भी बाउंड है एज पर CNIC, एज पर वेरसिस, एज पर नादरा रिकॉर्ड, जो आपका नाम अब तब्दील होकर आ गया है, जो नादरा के रिकॉर्ड पे या नादरा के वेरसिस में जो करंट नाम मौजूद है, अगर आपका बैंक अकाउंट पुराने नाम पे खुला हुआ है, मकसद जो जब आपने अकाउंट खुलवाया था उस वक्त शनाख्ती कार्ड पे नाम थोड़ा सा 19-20 था या चेंज ही था, तो प्राइवेट बैंक वाले भी बाउंड है इस पे कि वो आपका टाइटल ऑफ अकाउंट, जिसे आप अपनी जबान में कहेंगे आपके किस नाम से अकाउंट है, बैंकर्स की जबान में वो टाइटल ऑफ अकाउंट होता है, तो बैंक वाले बाउंड होते हैं कि वो टाइटल ऑफ अकाउंट जो है उसको करेक्ट करेंगे, उसको एडिट करेंगे, ठीक है।
वही। और उसी तरह ये आप जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपके लिए तो काफी वो होगा कि यार ये कैसे हो सकता है। बहुत ही सिंपल है, आप देख ले, शादी से पहले लड़कियों का नाम जो है कुछ और होता है, उनका बैंक अकाउंट भी होता है, जॉब भी कर रही होती है, शादी के बाद नाम तब्दील हो जाता है, हस्बैंड के नाम साथ ऐड हो जाता है, तो क्या उनको अपना अकाउंट बंद करवाना पड़ता है, वो टाइटल ऑफ अकाउंट जो वो एडिट करवाते हैं, ये लीगल है। तो जनाब जिनके साथ ये मसला है टाइटल ऑफ अकाउंट का, बहुत सारे लोगों के साथ मसले आते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। अगर आप लीगल की तरह लीगली आपका जो शनाख्ती कार्ड मौजूद है और किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, चाहे नेशनल सेविंग में हो या प्राइवेट बैंकों में है, नेशनल सेविंग हो प्राइवेट बैंक हो, सब इस चीज़ के बाउंड है कि आपका जो टाइटल ऑफ अकाउंट है वो एज पर आपके CNIC हो, ठीक है, एज पर नादरा रिकॉर्ड हो, एज पर वेरेसेस हो, ठीक है। अगर आपने पहले अकाउंट खुलवाया था चाहे प्राइवेट बैंक में हो या बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट में हो, उसके बाद आपके नाम में करेक्शन हुई, आपका नाम तब्दील हुआ, या उसमें आपने जो है वो नाम में तब्दीली कराई, मेरे एक दोस्त था उसका नाम था नौशाद नूर नाम था, ठीक है, अकाउंट भी उसका इसी हवाले से था, फिर क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या नहीं आया, उसने अपना नाम जो है वो करेक्ट चेंज करवाया, मतलब उसमें करेक्शन करवाई और उसका नाम हो गया नौशाद अहमद, नौशाद नूर से नौशाद अहमद हुआ। तो उसने फिर तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ डॉक्यूमेंट में नौशाद नूर था, कुछ में नौशाद अहमद था, तो फाइनली उसने शनाख्ती कार्ड में नाम तब्दील करवा के नौशाद अहमद किया। जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे मैट्रिक के, इंटर के, ग्रेजुएशन के, मास्टर में, उन पे जिन पे गलत नाम था, मतलब नौशाद नूर था, उसको नौशाद अहमद करवाया। जितने बैंक में उसके अकाउंट थे उसका टाइटल ऑफ अकाउंट जो वो एडिट हुआ, मतलब नौशाद नूर पे जिन बैंकों में नौशाद नूर के नाम से था उसको नौशाद अहमद हुआ, और फाइनली उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो नौशाद नूर से हट के नौशाद अहमद पे आ गया। तो उसका शनाख्ती कार्ड लीगल था, उसके डॉक्यूमेंट्स लीगल मौजूद थे, नादरा ने नादरा के जो भी कार्रवाई हो, नादरा रिकॉर्ड अपडेट था, वेरेसिस मौजूद था, वेरेसिस ब्रांच वाले और नेशनल सेविंग वाले ब्रांच वाले खुद ही चेक कर रहे होते नादरा का रिकॉर्ड, तो नादरा के रिकॉर्ड सारा अपडेट था, शनाख्ती कार्ड उसके पास ओरिजिनल था, तो वो हर जगह गया और उसने बोला यही मसला था, चूंकि लीगल था यही मसला है, तो तमाम बैंकों ने उसको सपोर्ट की और अपना रिकॉर्ड अपडेट किया। अदरवाइज ये जो है ये पेनाल्टी बैंकों पे भी लग सकती है, अगर कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया कि मेरा नाम शनाख्ती कार्ड पे चेंज हो गया, मैं गया था ब्रांच या मैं गया था बैंक, उन्होंने चेंज नहीं किया, तो इस पे जो है बैंक में पेनाल्टी भी लग सकता है, स्टेट बैंक इसके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है, ठीक है। तो जनाब दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट पे अगर आपका कम अमाउंट है तो शायद ये पॉसिबिलिटी है कि जो है आप जाएं और कैश की सूरत में लाख रुपए आप सर्टिफिकेट दें, नाम फहीम हो आपका, चेंज हो के सलीम हो गया हो, आपको आपने आपका कैंसिल उन्होंने किया, आपको 1 लाख रुपए दे दिया और ओरिजिनल सर्टिफिकेट रख लिया, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं फिर कहूंगा अगर आप लीगल है, लीगली आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, तो नेशनल सेविंग वाले, प्राइवेट वाले, बैंक वाले बाउंड है इस चीज के कि आपका जो करेक्ट नेम है, जो नादरा में अपडेट है, जो वेरेसिस पे अपडेट है, जो आपके ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड पे अपडेट है, बैंक वाले हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर नेशनल सेविंग है, उसको अपने रिकॉर्ड में अपडेट करेंगे और जो करेक्ट रिकॉर्ड है नादरा का उसी पे आपका अकाउंट खुलेगा या आपका नाम अकाउंट अपडेट होगा या जो आपका टाइटल ऑफ अकाउंट है वो चेंज होगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, रिक्वेस्ट आप लोग से यही है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जब आप लोग वीडियोज बना रहे हैं चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।